सोलन जोगिंद्रा बैंक के चेयरमैन पद को लेकर काफी समय से खींचतान चल रही थी। निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री राजीव साजल ने की। दून के विधायक परमजीत पम्मी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से योगेश भारतीय को चेयरमैन चुना गया। योगेश भारतीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के काफी नजदीकी हैं और राजनीति में वे ज्यादा सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें चेयरमैन पद से नवाजा गया है। सूत्रों की माने तो इसी तरह यशपाल ठाकुर, जो स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के चहेते हैं, जिन्हें न केवल निदेशक मनोनीत किया गया बल्कि उन्हें जोगिंद्रा बैंक का उपाध्यक्ष भी चुना गया है। गौरतलब है कि उपाध्यक्ष की दौड़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता बुधराम भी थे और वे प्रबल दावेदार भी माने जा रहे थे। अब उन्हें केवल निदेशक पद से ही संतोष करना पड़ेगा। सोलन जोगिंद्रा बैंक का चेयरमैन सोलन से ही बनता आया है, लेकिन इस बार सोलन में चल रही भाजपा की गुटबाजी के कारण इस बार चेयरमैन का पद नालागढ़ चला गया है। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने बताया कि योगेश भारतीय को चेयरमैन और यशपाल ठाकुर को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार चुनावों में सभी सीटों पर भाजपा नेताओं ने ही ऐतिहासिक जीत हासिल की है, कांग्रेस खाता भी खोल नहीं पाई है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा के सभी पदाधिकारी एकजुटता से कार्य करेंगे और बैंक को शीर्ष पर लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनपीए को कम करना उनका पहला लक्ष्य होगा। उन्होंने इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल का धन्यवाद भी किया। आज जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है और उसमें नवनियुक्त जो 6 डायरेक्टर जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं और 4 जो है वो नॉमिनेटेड पार्षद जो है चुने गए हैं, उनकी मीटिंग हुई है और उसमें सर्वसम्मति से चेयरमैन पद के लिए माननीय श्री योगेश भरतिया जी, जो नालागढ़ वार्ड से आए हैं चुनकर, उनको चेयरमैन बनाया गया है और श्रीमान यशपाल ठाकुर जी, जो मूलतः सुल्तान के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और सोलन वार्ड से जो है आते हैं, उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है। उसी तरह मैडम कौंडल को जो है, जो कि अर्की से आई हैं, उनको जो है स्टेट के लिए जो है एज ए बीओडी यहां से भेजा जाएगा। तो ये चुनाव आज हुए हैं, मैं समझता हूं इसमें क्योंकि ज़्यादातर क्या ये सभी जो 10 के 10 लोग हैं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के माध्यम से ये इलेक्शन जीता है और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना करके नॉमिनेट करके आज इलेक्शन प्रोसेस को पूरा किया है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक, जो कि पूरे ज़िले का बैंक है और इसकी और भी कई कई ब्रांचेज है, तो ये अपना अच्छा काम करेगा और जो भी इनका अपना किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स है या एनपीए है जो बैंक का, जो इनके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि चेयरमैन, जो नवनियुक्त चेयरमैन है, उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ जो एक्सपेंशन की जहां बात आएगी, हमारी गांव-गांव में जो है ब्रांचेस जो है खुलेगी, जो कि इसका एक मूल उद्देश्य है, वो भी साथ साथ चलेगा। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सुरेश भारद्वाज जी, जो हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ डॉक्टर राजीव सैजल जी का, जो कि हमारे यहां से स्वास्थ्य मंत्री है और हमारे जिला के मंत्री है, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में ही ये आज जो है सारा कुछ जो है ये फाइनल हुआ है।